बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज इस वीडियो में हम द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंग्लिश यानी मॉडर्न इंग्लिश की बिगिनिंग कैसे हुई, मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत की कैसे हुई, इसके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो इंग्लिश ने जो है ना, आपको बताता चलूँ कि इंग्लिश ने 14वीं सेंचुरी के दरमियान में फ्रेंच पर फोकियत हासिल की थी। जो फ्रेंच जो है ना, फ्रेंच की जो लैंग्वेज थी वो एरिस्टोक्रेट्स यानी जो बड़े बड़े लोग थे वो बोलते थे, और इंग्लिश जो है ना वो आम लोग बोलते थे, जिसने आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंच के ऊपर जो है ना फोकियत हासिल की। अब इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसकी ग्रोथ कैसे हुई, तो जो रेनेसांस के पीरियड में इंग्लैंड में जो है ना लोगों को की ये फीलिंग थी कि हमारा नेशनल लैंग्वेज है, कि ये जो इंग्लिश है ये हमारा नेशनल लैंग्वेज है, जिसकी वजह से ये इंग्लिश स्कॉलरशिप की लैंग्वेज हो गई, जो कि पहले लैटिन थी, यानी लैटिन को रिप्लेस कर दिया गया इंग्लिश से। आहिस्ता आहिस्ता जो इंग्लिश लैंग्वेज थी इसमें मजहबी किताबें लिखना शुरू हो गई, इस तरह इसकी ग्रोथ हो गई, और ये इंग्लिश जो है ना मुसलसल तरक्की करता रहा। जैसा कि जो जो मजहबी जो किताबें थी वो जो है ना इंग्लिश में लिखी गई, जिसकी वजह से जो है ना इसकी ग्रोथ हो गई, और आहिस्ता आहिस्ता जो मुसलसल जो है ना ये इंग्लिश जो है ना वो डेवलप होता जा रहा था। फिर इसको वोकेबुलरी कैसे एक्सपेंड की गई, वोकेबुलरी इसकी कैसे वसी हो गई, तो बहुत से जो है ना वर्ड्स वो बारोड किए गए मुख्तलिफ लैंग्वेज से, जिसमें ग्रीक से वर्ड्स लिए गए, लैटिन से भी वर्ड्स लिए गए, बहुत से वर्ड्स लिए गए, जिसकी वजह से इंग्लिश की वोकेबुलरी वसी हो गई और ज़्यादा हो गई। बहुत से वर्ड्स जो है ना वो ईजाद किए गए, नए नए वर्ड्स ईजाद किए गए, और हर दिन नए नए वर्ड्स जो है ना वो ईजाद होते रहे। अब इसकी स्पेलिंग को कैसे रिप्लेस कर दिया गया, स्पेलिंग में इसकी कैसे चेंज आ गई, तो देखते हैं। तो रेनेसा पीरियड के शुरू में जो है ना एक वर्ड की स्पेलिंग मुख्तलिफ होता था, और एक वर्ड के लिए बहुत से स्पेलिंग होते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ड फेलो जो है ना, फेलो की जो लफ्ज़ है उसकी इसी तरह जो है ना उसकी स्पेलिंग लिखी जाती थी, जिसमें है कि FELLOW, ये स्पेलिंग भी फेलो के लिए यूज़ होता था, FELOWE, FALLOW, FALLOWE, इसी किस्म के जो स्पेलिंग थी वो यूज़ होते, यानी एक वर्ड के लिए मुख्तलिफ स्पेलिंग्स होते थे। तो 1582 में रॉबर्ट मलकास्टर ने स्पेलिंग को रेगुलराइज करने के लिए एक सिस्टम मुतारिफ करवाया, और एक सिस्टम पेश किया जो कि बहुत जल्द लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया। अब इसकी प्रोनंसिएशन कैसे रिप्लेस की गई, जो पहले जो है ना मुख्तलिफ सिलेबल पर स्ट्रेस होता था, यानी इसके लिए कोई रूल नहीं होता था, जिस सिलेबल पर आप स्ट्रेस होना चाहते थे उस पर कर सकते थे। तो फिर ज़्यादातर जो पोइटिक वर्क्स में इस वर्क्स थे उसमें ज़्यादातर सिलेबल जो दूसरे सिलेबल पर स्ट्रेस कर दिया गया, जैसे कि इन वर्ड्स में दूसरे सिलेबल पर स्ट्रेस होता है, जिसमें कैरेक्टर है, एलस्ट्रेट है, कंसंट्रेट है, कंटेम्पलेट है, यानी इन वर्ड्स में दूसरे सिलेबल पर स्ट्रेस होता है। तो अब ग्रामेटिकल एलिमेंट्स में जो है ना वो कैसे चेंजेस आ गई, तो जो नाउंस है नाउंस में कुछ इस तरह रिप्लेसमेंट की गई कि जो पुराना वर्ड आई के लिए यूज़ होता था वो था आई एन, यानी ई वाई ई एन, फिर इसको रिप्लेस कर दिया गया आई से, ई वाई ई से। तो इस तरह काइन को जो है ना के आई एन ई को काउ से रिप्लेस कर दिया गया। अब प्रोनाउन में इसकी किस तरह रिप्लेसमेंट आ गई, तो प्रोनाउन में कुछ इस तरह रिप्लेसमेंट की गई कि जो लफ्ज़ ये था यानी वाई ई था, इसको वाई ओ यू यानी यू से रिप्लेस कर दिया गया, और पॉपुलर स्पीच से लफ्ज़ थाई थी तो ये वर्ड्स जो है ना ये डिसअपीयर कर दिए गए। अब वर्ड्स में कैसे रिप्लेसमेंट की गई, तो वर्ड्स में कुछ इस तरह रिप्लेसमेंट की गई कि जो वर्ड्स के एंडिंग होती थी प्लूरल की, तो वो कुछ इस तरह होती थी कि इसके आखिर में टी एच लगा दिया जाता था, और इसकी वर्ड्स इस वर्ड की प्लूरल हो जाती थी। तो इस वर्ड टी एच को यानी जो कि आखिर में टी एच लगा दिया जाता था उसको रिप्लेस कर दिया गया इससे, और यानी ये वर्ड्स आप देख सकते हैं कि गिव्ड लिखा गया है, तो जी आई वी ई टी एच यानी स्पिरिट्स को रिप्लेस कर दिया गया गिव से, यानी टी एच की जगह एस लिखा गया
और जो टेक हैं इसको रिप्लेस कर दिया गया एस से, यानी टी एच की जगह एस लिखा गया। तो इस तरह जो है ना इस इंग्लिश लैंग्वेज की, यानी मॉडर्न इंग्लिश की जो कि आजकल बोली जाती है, इस तरह इसकी जो ग्रोथ है वो हो गई और इसकी जो बिगिनिंग है वो कुछ इस तरह हो गई। तो ये जो कि आज हमने द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न ग्रो मॉडर्न इंग्लिश इसके बारे में पढ़ा। तो अगर अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपसे आखिर में ये एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो दें लिटरेचर के मुताबिक, लिंग्विस्टिक्स के मुताबिक, तो आप इसको मिस ना कर सकें और आप इसको देख सकें। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू।